डूसन और जो मिला रहा है वो तो लग रहा नहीं था साउथ अफ्रीका से खेलने लग रहा है आईपीएल खेलने बहुत अच्छा क्रिकेट हुआ और मैं दोनों टीम के लिए वेल प्लेड कह रहा हूँ उमरान मलिक को इनको लाजमी खेलाना पड़ेगा आगे मैचों में उसके बगैर मेरे ख्याल से अब गुजारा नहीं है बोलिंग लिया तो ये फाइव सिफर ना हो फाइव जीरो ना हो जाए ये जो टीमों को इंग्लैंड को ऑस्ट्रे तो साउथ अफ्रीका को ये आईपीएल में इनके खिलाड़ी खेल खेल के और आईपीएल में ऐसी बैठक वाली मैच कर कर के उनके खिलाड़ियों को बहुत जो है ना एक्सपीरियंस हासिल और मिलर ने तो मेरे ख्याल से आई में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो ड्यूसन ने भी और बाकी मैच तो बहुत तेज़ हो गया मेरे हिसाब से इंडियन टीम जो है इंडियन मैनेजमेंट जो है बोर्ड है क्रिकेट का ये आईपीएल पी एल करवा के अपने पाओ पर कुल्हाड़ी मार रहा है मैं मैं देख रहा हूँ तकरीबन लोगों ने लिया वो नोट फिनिशर नोट नहीं है तो भाई क्यों लिया टीम में उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं बनेगा लेकिन ऐसा धुलाई किया तबीयत से साफ कर दिया इनका असलम विवर शेर यार भाई हमारे साथ मौजूद हैं बात करेंगे आज साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया पहला टी मैच हुआ बड़ा जबरदस्त मैच हुआ आखिरी ओवर्स तक गया आखिर में आके डेविड मिलर और वेंडर डुसन ने ज़बरदस्त बैटिंग की और इंडिया से मैच छीन लिया अस्सलाम वालेकुम बीवर्स इंडिया से हमने तो पहले ही कहा था एक्सपेक्ट था कि इंडिया को साउथ अफ्रीका बहुत बुरी तरीके से मारेगा और मज़ा भी आया 200 प्लस चेस कर गया जो लग रहा था मुश्किल है शुरू में तीन विकेटें गिर गई थी अब क्योंकि इन्होंने नई चीज़ भी की साउथ अफ्रीका ने प्रोटेस्ट को आगे भेज दिया हालांकि ऑलराउंडर है वो लेकिन आकर उसने अच्छा मोमेंट बनाया पावर प्ले को मतलब कि जो उनकी प्लानिंग थी ना उस पर वो पूरा उतर गया तेरह गेंदों में उनतीस कर गया अच्छा कर गया और उसके बाद ड्यूसन और जो मिलर आया वो तो लग रहा नहीं था साउथ अफ्रीका से खेलने लग रहा आई पी एल खेल रहे आई पी एल खेल ड्यूसन तो पूरे आई में मेरे ख्याल से उसने सिर्फ यही यही प्रैक्टिस की अपने मैच की वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेला नहीं क्योंकि पंजाब में था तो इतना अच्छा नहीं खेल पाया था मिलर हाँ मिलर में खेल मिलर तो मिलर तो किलर है ना तो उन्हीं पर किलर साबित तो हो गया आज मिलर तो किलर है तो खैर बहुत अच्छा खेला और वही कि पूरे मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे गुजरात टाइटन्स जैसे इनका चैंपियन बनाए उसमें सत्तर परसेंट तो मिलर के ही हाथ था क्योंकि एंड में वो जैसे फिनिश कर रहा था आज वही सेम रोल उसने अपनी टीम के साथ किया उसको मुश्किल नहीं हुआ आई पी एल से उसको एक्सपीरियंस था वही प्लानिंग थी आज उसी प्लानिंग पे शुरू से पहली गेंदों से उसी प्लानिंग पे ही चल रहा था जो बहुत इजी हुआ उसके लिए तो 200 प्लस टू हंड्रेड टेन ट्वेंटी ये वेस्ट साउथ अफ्रीका चीज़ में कोई मुश्किल नहीं होगा मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि इंडिया एक टी ट्वेंटी भी इनसे जीत सके नहीं जर बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे नहीं लग रहा कि एक भी जीत पाएंगे पाँचों में क्योंकि इनका एक बेडलग है कि हो गया कुलदीप और के राहुल का बाहर होना ये दो खिलाड़ियों से बहुत फ़र्क पड़ गया इनको अच्छे खिलाड़ी थे क्योंकि कुल आ, के राहुल और ईशान किशन ओपनर आता तो ये इंडिया के लिए बैटिंग में तो फिर अभी भी इनके पास स्टैंड है बैटिंग लाइन तो बॉलिंग भी अच्छी थी लेकिन इनको एक्सपी साउथ अफ्रीका जो है ना उसको रीच कर गए इनके बॉलरों को कैसे खेलना है तो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ अब आगे भी नतीजा अब ये देखो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन साउथ अफ्रीका पे आएगी इंडिया पर तो आएगी आएगी और आ भी रही है साउथ अफ्रीका पे मुश्किल है वो इजी जीत जाएगी सारी मैच बाकी बैटिंग तो ज़बरदस्त की इंडिया ने जिस तरीके से आपने कहा कि बैटिंग लाइनअप तो स्ट्रॉग है उनकी बॉलिंग में क्या लगता है आपको कहाँ गलती कर पा रही है और जो एक्सपीरियंस बॉलर है वही सबसे महंगे साबित हुए भुवेश्वर कुमार तो इस पर आप क्या लगते हैं वो उनकी वो फॉर्म नहीं रही है बाकी बॉलर में कहा जा रहा है कि मोहम्मद सिराज अगर होते मोहम्मद शामी होते या बुमरा होते तो मामला मुख्तलफ होते अब बुमरा तो इनका मेन भुमरा तो हर फॉर्मेट में आप उसको ले सकते हैं लेकिन अब उसका ये क्या अरेस्ट दे रहे हैं ये क्या मसला है उसको उसके अलावा ये जो भुमेश्वर कुमार है ये भी अपने टाइम पे अच्छा बोला था लेकिन अभी कुछ टाइमों से नहीं चल रहा तो आप लाजमी बात है अब उसको अभी के वा, इनके वो ऑप्शन अच्छे थे पीछे अब उमरान मलिक को इनको लाजमी खेलाना पड़ेगा आगे मैचों में उसके बगैर मेरे ख्याल से आप गुजारा नहीं है उसे तो आपको लाजमी इमरान मलिक को आपको हर आगे चार टी ट्वेंटी में आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि वो ऐसा है हाँ ज़रूर स्पीड उसकी ऐसी है और उसके अभी जो उसने टेक्निक यूज़ किए वो तंग कर रहा है अच्छे अच्छे बैट्समैन को तंग कर रहा है तो उससे फ़ायदा हो सकता है और स्पिन में भी इनका चल नहीं पाया बाकी ये कि अगर टन होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्पिनर तो अच्छे हैं इनके पास अब सीरीज शुरू होने से पहले हमें यही नज़र आ रहा था कि दोनों टीमें बैलेंस टीम है और कहीं ना कहीं इंडिया को एज हासिल है होम कंडीशन भी है लेकिन पहला टी ट्वेंटी होने के बाद क्या लगता है आपको विराट कोहली भी नहीं खेल रहे रोहित शर्मा भी नहीं है खेल राहुल भी नहीं है तो टीम अभी बाहिर आपको लग रहा है कि मुश्किल होगा अब जिस तरीके से आपने कहा इंडिया एक मैच भी अगर जीत जाए तो बड़ी बात है इंडिया को तो मुझे शुरू से नहीं लग रहा था एज हासिल होगा क्योंकि आईपीएल मुझे पता था आईपीएल के बैक टू बैक ये सीरीज़ है और ये तमाम खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के इसमें तीन खिलाड़ी ऐसे जो आईपीएल पी एल नहीं खेले बाकी सारे खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे थे तो इनको बड़ा एक, अब आई इनका ऐसा ओपन शो है ना कि मैं कहता हूँ कि इनका कोई आई में बड़ी है तो बहुत बड़ी टूर्नामेंट बहुत बड़ा क्रिकेट लीग है लेकिन उसके अंदर अपने मुल्क के लिए अपने क्रिकेट के लिए ना मुझे नहीं समझ आता है कि कोई उनकी प्लानिंग है समझ लो दूसरे दुनिया के आप जो खिलाड़ी हैं ना इनसे आकर सीख के जा रहे हैं मिच्योर का ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ऑस्ट्रेलिया एशिया में फंस जाती थी आज ऑस्ट्रेलिया को देखो दुबई में वर्ल्ड चैंपियन बन गए टी ट्वेंटी की श्रीलंका में जाके श्रीलंका को इतनी बुरी तरीके से हार आ रहा है तो ये जो टीमों को इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को ये आईपीएल में इनके खिलाड़ी खेल खेल के और आईपीएल में ऐसी बैठक वाली मैच कर कर के उनके खिलाड़ियों को बहुत जो है ना एक्सपीरियंस हासिल गैर मुल्क खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस हासिल हो गया जो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया टी में मेरे हिसाब से अभी ये आगे जो भी इंग्लैंड न्यूजीलैंड इनसे इंडिया को जीतना बड़ा मुश्किल होगा टी ये वेस्ट इंडीज़ भी अब जीत जाए तो बड़ी बात है क्योंकि उनके खिलाड़ी भी बहुत मारेंगे इनको तो अब इनको ये श्रीलंका जंबावे को बुलाकर खेलना चाहिए और दूसरा एक चीज़ आज मुझे देख के ग्राउंड में बहुत अफसोस हुआ बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि इंडियन ग्राउंड में अब दिनेश कार्तिक पर जब परफॉर्मेंस नहीं है वो तो हम भी कह रहे थे नहीं है उसको तो ज़बरदस्ती लिया देखो खिलाड़ी स्पोर्ट मैन हो गया या क्राउड हो गया एक तनकीद के हद तक एक बा, हम बाहर बैठ गए हम भी इस हद तक नहीं गिरे जितने उनके अपने क्राउड गिर गए अखबार लेकर दिनेश कार्तिक की तस्वीर लेकर उसमें लिख कर ला रहे नोट फिनिशर कितनी बड़ी तोहीन है उसकी पूरे बाकायदा ग्राउंड में वो अखबार में मैं देख रहा हूँ तकरीबन लोगों ने लिया वो नोट फिनिशर नोट नहीं है तो भाई क्यों लिया टीम में उसको नहीं लेते लेकिन एक खिलाड़ी को रिस्पेक्ट हो दो ठीक है अपने टाइम में वो भी खेला है टीम को कप्तानी भी उसको भी मिली है इस तरीके से तो आप खिलाड़ी के साथ नहीं करो ना आप अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हकीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया पहला टी ट्वेंटी साउथ अफ्रीका जीत चुका है सात विकटों से बीट किया है इंडिया को दो सौ बारह रन्स का टारगेट पूरा कर लिया है साउथ अफ्रीका ने क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से आप बसमिल तमाम व्यवर्स सबसे पहली बात है कि आज क्रिकेट की जीत हुई है हाँ इसमें आप इन्जॉयमेंट करें इंटरटेनमेंट करें खुश हों देखो ग्राउंड में दो टीम जब आती है तो एक को जीतना होता है एक को हारना होता है इसको आप ये किसी खिलाड़ियों पे तनकीद नहीं कर सकते उन्होंने भी फाइट किया इंडियन के सारे खिलाड़ियों ने असल में मसला है कि अब क्रिकेट जो है ना फास्टेस्ट हो गया है और इतना फास्ट हो गया है कि मॉडर्न क्रिकेट आप कह सकते हैं कि अब जो टॉस जीत के जो भी टीम है ना वो देखना आप बॉलिंग फर्स्ट करने का सोचेगा और शायद आपने 2021 में मेरे ख्याल से जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान जो ज़्यादातर जीता जो टॉस जीत के बॉलिंग लिया अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस दफ़ा भी यही होगा जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी वो जीतेगी क्योंकि इतना फास्ट हो गया है और समझो हार्ट पे आ गया है अब जो है ना क्रिकेट में अब जितने भी यंग लड़के जितने भी है किसी भी दुनिया के किसी टीम के भी वो लड़ मरने को खेलने को चाहते और जो क्रिकेट के लिए बहुत खुशाइंद है और ये मुझे तो बहुत मुझे क्या पूरी दुनिया को पसंद आया होगा क्योंकि एक अच्छा फिनिश हो अगर इंडिया एक रन से जीत भी जाता या एक रन से साउथ अफ्रीका हार जाता या क्लोज़ हो जाता या टाई हो जाता तो लेकिन हमें अस, असल है क्रिकेट देखना जितने भी इस्पोर्ट्स मैन हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं तो इस पर किसी को नाराज़ होने वाली बात नहीं है बहुत अच्छा क्रिकेट हुआ और मैं दोनों टीम के लिए वेल प्लेड कह रहा हूँ लेकिन यूसन और मिलर डेविड मिलर ने जो बैटिंग किया डेविड मिलर की तो बात ही एक अलग है वो तो बहुत मेरे खाते एक्सपीरियंस में ज़्यादा अच्छा है तो यकीन करो जब मैच मैंने देखा है ना तो यकीन करो आँख तो झपकने का नाम ही नहीं ले रहा था इतना मज़ा आ रहा और कोई बॉलर को चांस नहीं दे रहा भाई उनका पांडे कोई ऑलराउंडर एक ओवर में अठारह रन उसको ने दिया उसके बाद दोनों पटेल थे दोनों सही अच्छा खासा चार ओवर में पैंतालीस तिरयालीस जिस तरीके से स्कोर दिया यानी कि कुमार उसको उसको भी पिट लगी है पैंतीस रन चाहिए यानी कि ऐसा लग रहा था कि उन्नीस ओवर एक गेंद बहुत ज़्यादा में मैच जीता है मेरे हिसाब से तो अठारह सत्रह और अठारह ओवर में मैच जीत जाना चाहिए था लेकिन ये ए, मिलर की तो बात ही अलग है लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कसूरवार इंडियन मैनेजमेंट भी है वो इस वजह से जब आप आई जब आप करवाएंगे तो यार आप तो आ बैल मुझे मारने वाला हिसाब बता रहे हैं कि आप अपना उसको पिच दिखा रहे हैं अपने बॉलरों को दिखा रहे हैं अपने बैट्समैनों को दिखा रहे हैं कौन सा बैट्समैन को कौन सा बॉलिंग कराना चाहिए कौन से बैट्समैन को, को, को कौन से बॉलर के सामने कौन सा बैट्समैन को जाना चाहिए तो देखो वो तो खेल खेल के सबको एक्सपीरियंस हो गया और मिलर ने तो मेरे ख्याल से आई में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो ड्यूसन ने भी और बाकी मैच तो बहुत तेज़ हो गया मेरे हिसाब से इंडियन टीम जो है इंडियन मैनेजमेंट जो है बोर्ड है क्रिकेट का ये आईपीएल पी एल करवा के अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है क्योंकि ये इंडिया की टीम तो वाइज ऐसी है जो बात ये क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के लिए तो इनको तो मुश्किल ही नहीं है ये तो उनको पैसे भी दे रहे हैं खिलाड़ियों बाहर मुल्कों वाले को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी दे रहे हैं, तो दे रहे हैं। और पिटाई किया तबीयत से धोया भाई एक टाइम में कोई जब टारगेट दो किया था बारह बनाना था तो ऐसा लग रहा था कि नहीं बनेगा लेकिन ऐसा धुलाई किया तबीयत से साफ़ कर दिया इनका और अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाँच मैच की सीरीज़ है ना ये मुझे तो शक हो रहा है कि अगर टॉस चारों में अगर साउथ अफ्रीका जीता तो वो बॉलिंग ही लेगा और जब अगर बॉलिंग लिया तो ये फ़ाइव सिफर ना हो फाइव ज़ीरो ना हो जाए फाइव ज़ीरो का चांस मिल गया पहले ही मैंने होगा था सीरीज़ तो ये साउथ अफ्रीका ले जाएगा हाँ भाई देखो ठीक है वो वो टीम है कि वर्ल्ड कप में जब टीम आती तो उसके साथ मज हो जाता है लेकिन वो ऐसे छोड़ेगा नहीं और ये बोल रहे थे कि तनकीद कर रहे थे कि इंडियन में इंडिया में मैच है तो इंडिया में मैच है तो इंडिया में धो दिया आप कहते हैं हम तो जा जाके दूसरे मुल्कों में धो देते थे अब तो इनके हालात ऐसे हैं कि मेरे हिसाब से हाँ इन्होंने एक वो जो बुमरा उनको उसको रखना था उन्होंने अब ज़्यादा रेस्ट कराओगे तो फिर ऐसे ही होगा टीम का हाल और दूसरी कहते फाइव जीवर फाइव जीरो जो मैंने कह दिया है तो ये मुझे लग रहा है अगर अगर टॉस जहाँ मतलब आपको कमी जो है ना बॉलिंग में कमी लग रही है बैटिंग तो मुकम्मल है ना खेल राहुल नहीं खेल रहे रोहित शर्मा भी नहीं है तो क्या लगता है आपको यार बैटिंग जबरदस्त की है सब कुछ है लेकिन कहने का मकसद है आप थोड़े थोड़े दिनों में आप कप्तान चेंज करें ये तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पता नहीं एक साल भी नहीं गुजरा इसमें चार पाँच कप्टन खेलें टेस्ट वनडे टी ट्वेंटी में इतने कप्तान थोड़ी बदली जाता है धड़ाधड़ ये तो बिल्कुल हमारा हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने इतना नहीं किया जाता है ये रोहित शर्मा बहुत अच्छा टीम लेके जा रहा था कैप्टन रोहित शर्मा को रखना था और कुली को भी साथ में देखो काम आता है अब कह रहे हैं अगर दो सौ ग्यारह बारह रन रन तो मैं कहता हूँ अभी भी बहुत जबरदस्त है लेकिन आपके पीछे बैटिंग पिच पीछ। तो बैटिंग पिच में दो सौ चालीस भी कम था आपने आई पी एल में तो खिला खिला के सबको दिखा दिया है तो मैंने तो आपके आई में देखा है कि दो भी बनना कोई मुश्किल नहीं तो दो मेरे हिसाब से कोई इतना वो स्कोर नहीं था जो आप उस तरीके से कह दें कि हाँ यार मैं सकून से खेलूँ दूसरी बात फील्डिंग का भी बहुत वो होता है फील्डिंग आप जब तक अच्छा कराएँ करेंगे, करेंगे तो वो होगा लेकिन ये है कि डेविड मिलर को आपने खुद ही सिखा दिया अपने होम ग्राउंड के आ जाओ और आने वाले साल में भी आईपीएल पी एल खिलाओ तुम्हें तो पता चलेगा तबीयत से धोएगा